खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और अब खबर दिल्ली से है। दिल्ली में कई जगहों पर छापेमारी हो रही है। दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट मिलने के बाद स्पेशल सेल छापेमारी कर रही है। ये तस्वीरें आपके सामने, जैश के आतंकी दिल्ली में हो सकते हैं, उन्हीं की तलाश में छापेमारी अलग अलग जगहों पर की जा रही है। दिल्ली के अंदर सुरक्षा के इंतजाम और पुख्ता कर दिए गए हैं। देखिए, त्यौहार का मौसम है ये, ऐसे में खासतौर से जो दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर मुस्तैदी के साथ जो सुरक्षाकर्मी हैं वो डटे हुए हैं। और आतंक पर ही एक और खुलासा ये हुआ है कि पाकिस्तान ने आतंकी हमले के लिए नए लॉन्च पैड बना दिए हैं। और ये सब तब हुआ जब इमरान खान अमेरिका में आंसू बहा रहे थे। सलहन इलाके में लश्कर ए तैयबा ने नए आतंकवादी लॉन्च पैड खोले हैं। पहले लॉन्च पैड में 15, दूसरे लॉन्च पैड में 30 आतंकी बैठे हुए हैं। वहीं तीसरा लॉन्च पैड जूरा है, जहां 4 दिन से आतंकी हमले की तैयारी किए बैठे हैं। हम सीधे रुख करेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ओम प्रकाश, क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए रोमाना, खुफिया एजेंसियों के पास जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि एक तरफ इमरान खान वहां पर नकली आंसू बहा रहे थे तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी आतंकवादी सीमा पर नए लॉन्च पैड तैयार कर रहे थे। और जो खुफिया एजेंसियों की निगाह पड़ी है इन दो लॉन्च पैडों पर जो सलहन इलाके में है पाकिस्तान के, और ये आतंकवादी भारतीय सीमा में घुसने का इरादा रखते हैं, साथ ही ये बैट एक्शन की तैयारी में भी है। साथ ही एक लेटेस्ट इनपुट जो आया है उसमें साफ तौर पर जो आतंकवादियों की बैठक हुई है जम्मू कश्मीर में, उसमें आतंकवादियों के एक नेता ने साफ तौर पर यह कहा है आतंकवादी ने कि बहुत जल्द ही जम्मू और दिल्ली में धमाके सुनाई देंगे। यानी कि कुल मिलाकर आतंकवादियों की घुसपैठ की एक बड़ी रणनीति, एक बड़ी साजिश है जो यदि कामयाब हो गई तो बड़े पैमाने पर धमाके हो सकते हैं रोमाना जी। लेकिन जिस तरीके से खुफिया एजेंसियां अलर्ट हैं और ये तमाम जानकारियां भारत तक पहुंच रही हैं, ऐसे में माना जाए कि सुरक्षा तो पुख्ता और मुस्तैद है? बिल्कुल रोमाना, सुरक्षा खुफिया एजेंसियों का मानना है कि तमाम इंफॉर्मेशन सुरक्षा एजेंसियों को दी जा रही है और सुरक्षा एजेंसियों को अपनी नई रणनीति बनाने को कहा जा रहा है, जिसके आधार पर इन आतंकियों को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन खुफिया एजेंसियों का साफ तौर पर मानना है कि इसके बावजूद कुछ आतंकवादी स्किप करके कुछ अन्य जगहों पर पहुंच सकते हैं और किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। यही कारण है कि खुफिया एजेंसियां लगातार अलर्ट जारी कर रही हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियां अपनी रणनीति बनाकर इनके आतंकवादी इरादों को नाकामयाब कर दें। तो माना बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओम प्रकाश तिवारी इस तमाम जानकारी के लिए। तो 40 आतंकी हमले के लिए तैयार, सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं कि जिस समय इमरान खान अमेरिका में थे और वहां जाकर दुनिया के सामने घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, उसी समय उनके देश पाकिस्तान में नए लॉन्च पैड बनाए जा रहे थे, जहां से अब आतंकियों को भारत में भेजने की तैयारी में है आतंकवाद के सरगना। दिल्ली से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको यह भी दे दें कि दिल्ली में 9 जगहों पर छापेमारी हो रही है। इस समय दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट मिलने के बाद स्पेशल सेल छापेमारी कर रही है। जैश के आतंकी दिल्ली में हो सकते हैं, उन्हीं की तलाश में छापेमारी हो रही है। खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि कश्मीर में बैठे जैश के कमांडर अबू उस्मान ने कश्मीर में अपने आतंकी साथियों से कहा था कि जम्मू और दिल्ली में बड़े धमाके होंगे, हमारे साथी वहां पहुंच गए हैं। और इसी के बाद किस तरीके से मुस्तैद सुरक्षा एजेंसियां, खासतौर से दिल्ली में जहां जैश के आतंकियों की तलाश की जा रही है, 9 जगह पर इस वक्त छापेमारी चल रही है, तो नापाक मंसूबे पाकिस्तान के और हम तैयार हर मंसूबे को बेअसर करने के लिए, हर मंसूबे को फेल करने के लिए। 9 जगह इस वक्त दिल्ली में छापेमारी चल रही है। सीलमपुर, जामिया नगर, पहाड़गंज के इलाके जहां इस वक्त छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। सीधे रुख करेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए बिल्कुल, खुफिया एजेंसी से स्पेसिफिक अलर्ट मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की छापेमारी है। देर रात को भी इन इलाकों में छापेमारी की गई थी। जो सीनियर अधिकारी है उनका कहना है करीब 9 से 10 के ठिकाने हैं जहां पर रेड की गई है। स्पेसिफिक इनपुट मिले थे आतंकी खतरे की साजिश जो है वो अलर्ट दिया गया है खुफिया एजेंसी की तरफ से। जो ISI है वो फिदायन हमला भी राजधानी दिल्ली में करा सकता है, कुछ इस तरीके के इनपुट्स मिलने के बाद ये रेड की गई है। साथ ही जो सभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उनको भी अलर्ट किया गया है कि जितने भी साइबर कैफे, पुराने कार डीलर और जो केमिकल की दुकानें हैं उनका रिकॉर्ड देखने के लिए कहा गया। होटल गेस्ट हाउस में जो लोग आकर ठहरे हैं उनके क्या रिकॉर्ड्स है, क्या डिटेल्स है, उनको भी चेक करने के लिए कहा गया है। क्योंकि इनपुट में ये बात कही गई है कि जो फिदायीन हमला है
वो हो सकता है, या फिर विस्फोटक से भरे वाहन को भी भीड़भाड़ वाले इलाके में उसके जरिए हमला कराया जा सकता है, ग्रेनेड भी फेंके जा सकते हैं। इनपुट ये भी है कि 3 से 4 जो आतंकी है वो राजधानी दिल्ली में घुस चुके हैं और उसी के चलते ये सेलमपुर, पहाड़गंज और जामिया दिल्ली के जो इलाके हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जैन इस तमाम जानकारी के लिए, और ऐसे में एबीपी न्यूज भी आपसे अपील करता है कि आप भी सतर्क रहिए, अपने आसपास किसी तरीके की कोई संदिग्ध गतिविधि अगर आप देखें तो जरूर पुलिस को उस बारे में सूचित करें।